हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छी होंगे? मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। तो ये है बर्थडे केक, सभी को पता है। तो ये नाइट का फंक्शन है, नाइट का फंक्शन नहीं, सॉरी, एक्चुअली हम 21 को एंगेजमेंट में गए थे, बताई नहीं हूँ, लेकिन अब डेट दे दूँगी जल्दी, उसकी भी वीडियो आने वाली है। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा हुआ था कि हाँ ऐसा कुछ भी, मतलब केक वेक कटेंगे, क्योंकि जब से काजू हुई तो मुझे मन में चलता बस काजू काजू एंजॉय करना चाहिए काजू को। लेकिन तब भी संदीप 10 बजे, हम लोग जब वहाँ से वापस आए हैं तो 10 बजे पता नहीं कहाँ से केक वेक लेके आए। फिर मम्मी पापा और संदीप ने मुझे ये छोटा सा सुंदर सा सरप्राइज दिया, जो कि काजू यहाँ कटिंग करने में लगी। अब हम सबके केक काजू ही काटती है। तो यहाँ पे मैं काजू अपना केक कटिंग करने लगे, फिर मैं काजू का जाके खिलाइए तो खिलाने लगी इस चाकू से ही, मम्मी को, पापा को, सबको। जा मैंने कहा पापा को, वो जाके मेरी बहन को दिखाने लगी। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज है बर्थडे वाला दिन और मैं हूँ बर्थडे गर्ल। तो आज नाई कुल्लू और प्लानिंग बनी है आज का, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो अभी तो रात में तो मम्मी लोग, संदीप पापा लोग केक ले आए थे, केक कटवा थे, जो कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस बात का। तो मैंने ये कन्फर्म था कि हमें, मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस कहीं होगा तो कहीं घूमने चलेंगे और बस, ये सभी सोचा हुआ था। लेकिन चलो, संदीप गए गए 10 बजे गए हैं और फिर केक लेके आए हैं। मुझसे बोले कि कहीं काम से गया हूँ। अच्छा, मेरे से ये था कि मैं हमेशा तो सोच रही थी कि नहीं करना तो होगा ब्लैक, और मैं नहीं सोच पाई थी क्योंकि इतना मुझे खुद को पता था ना कि नहीं इतना कुछ नहीं। और कल ऐसा डे था कि कल के दिन सब बहुत ज़्यादा थके थे, तो इसलिए और मन नहीं था। लेकिन सो अब आगे क्या क्या प्रोसेस होगा वो भी देखते हैं। एक केक कटिंग मुझे सत्संग में यहाँ पे हुआ था। मैं सत्संग गई थी क्योंकि मंडे था, लेकिन मुझे केक का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भाई ने यहाँ पे मुझे, मतलब केक कटिंग का भी यहाँ पे किया हुआ है। है छोटा वो, लेकिन उन्होंने इतना सोचा, वो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। मिलाऊंगी एक दिन उनसे भी, मिलाऊंगी फैमिली से, सबसे, हमारी एक फैमिली वो भी है। तो यहाँ पे केक कटिंग यहाँ पे हुआ है, उसके बाद हम लोग ने खूब इंजॉय किया। अगेन मैं थैंक यू बोलूँगी कि भाई इतना इतना अच्छा मुझे आपने गिफ्ट दिया था कि यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि सब संतों के बीच में केक कटिंग हुआ है। तो खुशी एक वो सबसे अलग खुशी थी वो, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने इसका तो सपना, बोलते हैं सपनों में सोचा, वो भी नहीं सोचा था। तो सब लोग यहाँ पे थे, सबने खूब इंजॉय किया। मम्मी थी, अच्छा बस फैमिली में मैं, मम्मी और काजू ही गए थे, बाकी सब बिजी थे, इस वजह कोई गया नहीं था। ये तो हमें पता भी नहीं था इसका, मम्मी को आया है, मम्मी को पता था पर मम्मी ने मुझे नहीं बताया था इसका कुछ भी, कि ऐसा भी कुछ सोचा हुआ है। तो बस इंजॉय कीजिए। उसके बाद हम लोग को, मैं सत्संग से आके नाइट में हम यहाँ से 10 बजे निकल गए थे। बरकास ऐसे कुछ नाम है, जो कि नई जगह है मेरे लिए, तो बहुत नई जगह है, बहुत अच्छी जगह है, आप सब जाइएगा वहाँ पे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि वहाँ वेटिंग चलती है, वहाँ पे वेटिंग लाइन लगती है, नंबर लगता है, उसके बाद नंबर मिलता है हमें कि यहाँ सीट, मतलब टेबल बुक होती है। तो यहाँ वेटिंग, हम लोग की वेटिंग भी थी, तो यहाँ सब वेटिंग में है। संदीप वहाँ बात करने गए थे कितनी वेटिंग है कितनी वेटिंग नहीं है, तो वहाँ पे नाम लिखवाना होता है। तो उसका जब वेटिंग, मतलब जैसे हमारा नंबर आ जाता है तो नाम लेके वो बुलाते हैं वहाँ पे, क्या आप लोग जाइए, फैमिली पूछते हैं कितनी फैमिली कितनी नहीं, उस फैमिली के हिसाब से आपको सीट वहाँ पे दी जाती है। लेकिन ये था कि मुझे, मतलब यहाँ कभी सब कुछ एक, मतलब सारी चीज़ें ना एक, जो नहीं सोची हुई थी वही सब हुई थी यहाँ पे। संदीप ने मुझे इतना अच्छा ये दिया था यहाँ पे, इतनी अच्छी जगह मुझे लगी। और मैं नॉनवेज तो पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे नॉनवेज, यहाँ पे नॉनवेज अच्छा था। तो यहाँ वेटिंग, हम लोग वेटिंग में है, तो वेटिंग मतलब बाहर ही निकल आए थे, अच्छी लोग थे। बस हम लोग यहाँ पे सब बैठे हुए हैं कि बस सब नंबर आ जाए और हम चले जाए। ये देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब सब वेटिंग पे ही है, सब वेट ही यहाँ पे बैठे हुए हैं कि अंदर जाने के लिए। काफ़ी अच्छी जगह, तो बहुत अच्छी जगह लगी है,
आप लोग देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कितना अच्छा होगा, तभी लोग इतना सब बैठे हुए हैं यहाँ पे वेटिंग पे। हाँ बेटा, तो बस गए यहाँ पे, अब नंबर बस हम लोग का आने वाला है, नंबर आ जाए उसके बाद जाएंगे। ये देखिए सब सब यहाँ पे वेटिंग के लिए ही आए हुए हैं, तो बस हम भी यहाँ इंतज़ार कब ख़त्म होगा इस उम्मीद में हैं। जब इंतज़ार ख़त्म होए हम लोग जाए जल्दी, हमें नंबर आए। तो यहाँ संदीप हम मैं कुछ बात करने लगे थे यहाँ पे, कि मतलब वही सब बातें मैं पूछ रही संदीप को कि आपने ये सब कैसे किया क्या नहीं किया। तो ये संदीप मुझे यहाँ की सब बता रहे थे कि कैसे होता है यहाँ पे सब। तो हम लोग तब बस में लगे हुए थे, उतने में ही बातचीत करते ही करते हम लोग का यहाँ पे नाम भी आ गया था, नंबर भी आ गया था। और बस फिर जब नंबर आ गया तो जब मतलब वहाँ पे नाम लिया जाता है वहाँ पे, कि जैसे संदीप का सबका नाम वैसे ही अच्छी चीज़ें अपना मतलब ऑनलाइन आपको वहाँ पर जाते हैं, वहाँ का भी कुछ ये नहीं पता होता कि कब मिलेगी जगह, कब नहीं मिलेगी। तो बस हम लोग की वेटिंग ख़त्म और हम लोग आ गए हैं अंदर। तो अंदर आने के बाद देखिए कितनी अच्छी जगह है यहाँ पे, बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब बहुत ही बहुत बहुत बता बहुत ही अच्छा लगा। एकदम शांत वाली जगह थी, ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं था, चिक 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 नहीं थी, हल्की म्यूजिक चल रही थी वहाँ पे, जो कि मतलब बहुत अच्छा लगा। खाना भी अच्छा था एक तो एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी अगर वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे मतलब नाम भी, जो नाम होते हैं बुक में, वो नाम भी ना अलग ही थे, उनके नाम भी ना खाने के अलग होते। तो उसको अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा कि क्या लिखा है क्या नहीं है, उसका क्या मिलेगा हमको कि हम लोग। उसके बाद ऑनलाइन वो वहाँ पे ऑनलाइन ही सब बुकिंग होता है, ऑर्डर भी आपके मिल जाता है, ऑनलाइन ही जाता है। आपको पेन कॉपी देखिए कार्ड का पिता कैसे करना सब कुछ होता है, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। तो हम लोग सीधा, मैं तो वीडियो बनाने में लगी हुई थी, संदीप ने मुझे क्या बोलूँ, उन्होंने ये है बकास ऐसे कुछ नाम है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ क्या प्राइस है सबके। मतलब सही है, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आप लोग खा सकते हो। मैं हम चार फैमिली गए थे तो हम लोगों ने दो लोग का ऑर्डर किया था, तो हम जा ही निपट गए। अब अपना अपना खाने का भी होता है वहाँ पे, कम ज़्यादा क्या, तो हम लोग तो इतना खाते भी नहीं, नॉर्मल मतलब खाते, हम लोगों के लायक तो हो गया था, अच्छा खासा सब हो गया था। लेकिन जगह बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। मैंने ये सब दिखा दी, तंदूर तो मेरा नहीं, पता नहीं क्या नाम था, तो हमने उन्हें मंगवाया था। यहाँ पे मैं काजू खूब एंजॉय करने में लगी हुई थी, कि हल्का हल्का मतलब साउंड था अपनी, उनका कुछ सॉन्ग था तो उसमें भी एंजॉय करी थी खाते हुए, हम लोग भी एंजॉय करते खाते हुए। और बस आप लोग भी एंजॉय कीजिए।
ये था हम लोग का खाना जो थी, ये दो लोगों का खाना था, लेकिन हम लोग यहाँ सब निपट गए थे। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ खाने के बाद, जब तक संदीप लोग बिल देने गए थे तो मैं दिखा देती कैसे क्या यहाँ पे आपको सुविधाएं मिलती हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो फैमिली जैसे है तो आप बैठ के भी खा सकते हो, बैठ के भी, लेट के भी, जो इच्छा है आप खा सकते हो आराम से। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। और अंदर जाके, अच्छा हम लोग का तो ज़्यादा थे ना, हम 4 लोग थे तो हम लोगों को मिला था। बाकी आपको जो सीट आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे सब लेटे बैठे हैं खा पी के। तो आप लोग भी चाहो तो आइएगा, लेकिन जाइएगा पक्का एक बार। बहुत ज़्यादा इतना मतलब देखने में जो है तो ऐसा मत सोचिए बहुत ज़्यादा महंगा होगा, तो इतना महंगा भी नहीं है। आप मतलब 2-3 हज़ार के अंदर सब कुछ निपट जाएगा आपका। तो मैंने यहाँ आप लोगों को सब दिखा दिया है। अब वो जो लखनऊ में है, लखनऊ के हैं, वो यहाँ पे इस जगह पे आके पक्का पक्का जाइए, यहाँ पे देखिएगा। मैं सब बता दूँगी कहाँ पे है कहानी। अब हम लोग का बिल देखिए, सिर्फ और मतलब केवल हमारे 1153 आया था, 1153 आया था अमाउंट। और बस अब चलते हैं अपने होम। बाय बाय, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।